अभिमन्यु की तरफ से बाबा बटेश्वर नाथ धाम भंडारा में राशन सामग्री का वितरण किया गया। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। वैसे बेटा बिहार से रईस अहमद की रिपोर्ट। बेटा स्थित प्राचीन बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के शुरुआत से ही जरूरतमंदों को भंडारा लगाकर भोजन कराया जा रहा है। बाबा बटेश्वर नाथ धाम भंडारा पिछले 50 दिनों से चलता आ रहा है। पहले भी समय समय पर इस भंडारे में टीम अभिमन्यु बेटा की तरफ से राशन की व्यवस्था करवाई गई थी। इस नेक कार्य में शामिल टीम के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सूर्या तिवारी, कुंदन पाल, प्रवीण सिंह, आदर्श राज, सुमित जी, अजय जी, रोहित, आलोक और अन्य सदस्य शामिल थे। नमस्कार, धन्यवाद, आगे देखते रहें वी न्यूज 24। किनके तरफ से यह राशन वितरण किया गया? मैं सूर्या तिवारी, टीम अभिमन्यु बेटा का सक्रिय सदस्य। और जैसा कि ये जो राशन दिख रहा है, राशन सामग्री, ये हमारे टीम अभिमन्यु के राष्ट्रीय संरक्षक बड़े भैया अभिमन्यु यादव जी के द्वारा ये राशन सामग्री का यहाँ पे जो हम लोग सहयोग कर रहे हैं बाबा बटेश्वर नाथ के पास, भैया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और इससे पहले भी हमारी टीम अभिमन्यु के जो सक्रिय सदस्य बेटा के रहे हैं, जैसे में कुंदन पाल हैं, आदर जी हैं, उसके बाद आलोक हैं, सुमित जी हैं, उसके बाद रोहित राज जी हैं, और जितने भी टीम अभिमन्यु के सदस्य हैं, अजय भैया हैं, तो पहले भी टीम अभिमन्यु के द्वारा बाबा बटेश्वर नाथ के पास मदद किया गया था। और उसके बाद भी अभी भी देख रहे हैं कि अभिमन्यु भैया के द्वारा हम लोग मदद करवा रहे हैं, और भविष्य में भी टीम अभिमन्यु मदद के लिए बाबा बटेश्वर नाथ के पास हमेशा अपना सहयोग देती रहेगी, जिस तरह से उन्होंने पहले भी दिया था और अभी भी दे रहे हैं। अभी जो वितरण आप कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? यह वितरण टीम अभिमन्यु राष्ट्रीय संरक्षक अभिमन्यु यादव जी के द्वारा बाबा बटेश्वर नाथ के प्रांगण में किया जा रहा है। जितना हम लोगों से हो सका था सहयोग, उससे पहले भी हम लोगों ने सहयोग देने का काम किया था, और उसके बाद अभी भी हम लोग सहयोग दे रहे हैं, और आगे भी जितना हो पाएगा हम लोगों से उतना हम लोग बाबा बटेश्वर नाथ के प्रांगण में हम लोग उतना सहयोग देंगे। देख रहे हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं, राशन सामग्री है अभिमन्यु यादव जी के द्वारा दिया गया है बाबा बटेश्वर नाथ के लिए। आपका नाम? मेरा नाम सूर्या तिवारी, टीम अभिमन्यु। जो राहत सामग्री बांटा जा रहा है, तो किसके द्वारा ये दिया जा रहा है? देखिए, ये राहत सामग्री टीम अभिमन्यु के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु यादव जी के द्वारा दिया जा रहा है, और पहले भी बाबा बटेश्वर नाथ के प्रांगण में अभिमन्यु यादव ने राहत सामग्री देने का काम किया था। फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें हम लोगों ने टीम का सदस्य और अभिमन्यु भैया की तरफ से राहत सामग्री दिया गया था, और फिर दोबारा अभिमन्यु यादव जी के द्वारा दिया गया है बाबा बटेश्वर नाथ के प्रांगण में। और इनके लिए जितने भी हम भैया की तारीफ करें, वो कम है, और बाबा बटेश्वर नाथ की कृपा भैया पर बना रहे, बस यही कहूंगा। जैसे कहना चाहूंगा इसमें कि इस बार राहत सामग्री के साथ जो राशन मिला है अभिमन्यु यादव जी के द्वारा, उसके बाद आर्थिक मदद भी किया गया है, और बाबा बटेश्वर नाथ के लिए हम लोग आर्थिक मदद भी किया है अभिमन्यु यादव जी के द्वारा, और आगे भी हम लोग भविष्य में इसको करते रहेंगे। जैसे कि कुंदन जी ने अभी बताया इस बात को कि हम लोगों ने जो भी मदद हुआ, पहले भी हुआ था अभिमन्यु यादव जी के द्वारा, और अभी हो रहा है, और भविष्य में भी हम लोग से जितना होगा उतना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।